सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा ना मिस कर पाए। तो भाई यार चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं ना, यदि हम वेटिंग लिस्ट का टिकट बुक किए हैं तो भाई यार हमारा वेटिंग लिस्ट का टिकट कंफर्म कब होगा। और हाँ मैं आपको बता दूं ना, यह क्वेश्चन ना आप बार बार कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछते हैं कि भाई यार हमारा वेटिंग लिस्ट का टिकट कब कंफर्म होगा, कि भाई यार हमारा वेटिंग लिस्ट का टिकट कब कंफर्म होगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो यार आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका वेटिंग लिस्ट का टिकट कब कंफर्म होता है। हाँ मैं आपको बता दूं ना, आप तभी जान पाएंगे कि वेटिंग लिस्ट का टिकट कब कंफर्म होता है जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। स्किप करके ना बिल्कुल ही मत देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा और फिर आप यही बोलेंगे नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। तो यार खैर छोड़िए, चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भाई यार चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी ट्रेन का टिकट जो है कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है, यह तब पता चलेगा जब आपके ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर होगा। तो यार अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यार अब हमारा चार्ट कब प्रिपेयर होगा और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा चार्ट प्रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जब ट्रेन का टिकट बुक करते हैं ना, तो यार वहां पर 10 डिजिट का एक PNR नंबर शो होता है। तो यार उस PNR नंबर को आप अपने ट्रेन टिकट में से सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद में आप उस ट्रेन टिकट के PNR को आप किसी भी ट्रेन टिकट ऐप में एंटर करिएगा। आपको पता चलेगा कि आपका ट्रेन का चार्ट जो है प्रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है और आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मोबाइल स्क्रीन पर चल के। तो भाई चलिए सबसे पहले हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में ओके के ऑप्शन पर क्लिक करके फिर हम यहां पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर कैप्चा कोड पिन डालकर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में देखते हैं क्या हमारा इंटरफेस ओपन होता है। तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जैसा कि देख सकते हैं। फिर उसके बाद में हमें यहाँ PNR इंक्वायरी के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए PNR इंक्वायरी के ऑप्शन पर क्लिक करके हमारा जो PNR है हम यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए हम अपना PNR यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद सर्च कर देंगे, कोई एडवर्टीजमेंट्स होगा उसे कट कर देंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा ये टिकट शो हो रहा है जो कि मुजफ्फरपुर से लेकर लुधियाना तक का है और यहाँ पर एक पैसेंजर का टिकट है। यहाँ पर जैसा कि शो हो रहा है बुकिंग स्टेटस जो है हमारा 18 है और करेंट स्टेटस जो है 1 है, यानी कि अभी तक हमारा टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है। अगर यहां पर वेटिंग लिस्ट 1 की जगह कुछ और सो होता, RAC सो होता या कंफर्म सो होता तो हमारा टिकट कंफर्म होता। लेकिन ध्यान रखने की यह बात है, टिकट तो हमारा कंफर्म नहीं है लेकिन हमारा चार्ट भी प्रिपेयर नहीं है। तो यार मैं आपको यहां पर बता दूं कि अभी हमें नहीं पता चला है कि हमारा टिकट जो है कंफर्म है या नहीं कंफर्म है। तो यह फुली कंफर्म तब पता चलेगा जब हमारा चार्ट प्रिपेयर होगा। तो चलिए जब हमारा चार्ट प्रिपेयर होता है तब हम जाकर इस टिकट का PNR नंबर चेक करते हैं कि हमारा टिकट कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। जैसा कि आपने देखा मैंने अपना PNR नंबर चेक किया टिकट का, तो यार वहां पर हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। और ध्यान रखने की यह भी बात है कि जब हमने अपना PNR नंबर चेक किया टिकट का तो यार वहां पर चार्ट भी प्रिपेयर नहीं था। तो मैं आपको बता दूं यहां पर अभी हमें नहीं पता चला है कि हमारा टिकट जो है कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। अब हम इसे कब चेक करेंगे, जब हमारा चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई यार हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर हो गया है। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं इन बातों का ध्यान रखिएगा, जिस स्टेशन का टिकट बुक किए हैं वहां पर ट्रेन 4 से 5 घंटा पहुंचने से पहले ही आपका चार्ट प्रिपेयर हो जाता है। नहीं समझ में आया, फिर से मैं आपको समझाता हूं। कि मान लीजिए कि आप जिस स्टेशन का टिकट बुक किए हैं उस स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने से 4 या 5 घंटा पहले ही चार्ट प्रिपेयर हो जाता है, तभी पता चलता है कि आपका वेटिंग लिस्ट का टिकट कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। तो यार अब चलिए अब हम अपने टिकट का PNR नंबर तभी चेक करते हैं जब हमारा चार्ट प्रिपेयर हो जाता है। चलिए अब मेरे ट्रेन का चार्ट जो है प्रिपेयर हो गया है और अब मैं आपको दिखाता हूं अपना PNR नंबर चेक करके कि मेरा टिकट कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। तो वही चलिए सबसे पहले हम फिर से अपना PNR नंबर सर्च करते हैं। यहाँ पर सर्च करने के बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा टिकट कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। तो जैसा कि देख सकते हैं वही टिकट को हमने सर्च किया, मुजफ्फरपुर टू लुधियाना का जो टिकट था वही सर्च किया, जिसका वेटिंग लिस्ट नंबर जो था 18 था, बुकिंग स्टेटस था जब मैंने बुक किया था तो इसका स्टेटस जो था वेटिंग लिस्ट नंबर 18 था। लेकिन अब करेंट स्टेटस जो है वो RAC B247 है, यानी कि हमारा जो टिकट है RAC में कंफर्म हुआ है और कोच नंबर जो है B2 है और हमारा सीट नंबर जो है 47 है। और
ध्यान रखने की यह भी बात है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमारे टिकट का चार्ट प्रिपेयर हो गया है। अब यार मैं आपको बता दूँ, इस ट्रेन के टिकट से आप ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि यह टिकट हमारा कन्फर्म है। और यदि यहीं पर RAC B247 की जगह वेटिंग लिस्ट 100 होता तो इसका मतलब यह है हमारा टिकट नहीं कन्फर्म है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं करेंट स्टेटस देखिए, यहाँ पर RAC B247 जो लिखा है, अगर इस जगह पर वेटिंग लिस्ट 1 लिखा रहा था जो कि पहले नंबर शो हो रहा था, WL/1 लिखा था, अगर यहां पर वो शो होता है और चार्ट प्रिपेयर हो जाता तो इसका मतलब यह था कि हमारा टिकट कंफर्म नहीं है और हम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो भैया जैसा कि आपने देखा कि मेरा यहाँ पर ट्रेन का जो चार्ट है वो प्रिपेयर हो गया है और हमारा टिकट भी कंफर्म हो गया। यहां पर शो हो रहा था RAC में हमारा टिकट जो है कंफर्म हुआ है, वो भी B2 में, जो सीट नंबर है 47 है जो कि यहां पर शो हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर ये बात भी ध्यान रखिए, यहां पर चार्ट प्रिपेयर हो गया है और यार मैं आपको बता दूं ये मेरा टिकट कंफर्म है तो अब मैं जाकर ट्रेवल कर सकता हूं। और यदि यहीं पर वेटिंग लिस्ट और नंबर्स कुछ होता जैसा कि WL 1 2 3 4 5 करके, यानी कि जो हमने जब चेक किया था वेटिंग लिस्ट करंट स्टेटस जो था वो WL1 दिखा रहा था, यदि यहां पर अभी भी चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी WL1 ही शो करता तो इसका मतलब ये कंफर्म नहीं हुआ था। जब कंफर्म नहीं होता तो हम इस ट्रेन में जर्नी नहीं कर पाते। तो यार आज के इस वीडियो में बस इतना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएगा। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं जो कि @@arvindraj01। और चैनल पर पहली बार विजिट किए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।